गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी आप लोग अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं चंचल शर्मा, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में छोटी सी बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए एंड आपको मेरा वीडियो जो है सबसे पहले वॉच कर सकें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, प्लीज़ मुझे ना कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आप लोग जब भी फ्री रहते हैं मैं तभी अपना वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट डाला है, प्लीज़ वहाँ पर भी आके कमेंट डाउन कर दीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट है ताकि आप मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी वॉच कर सकें और जब भी आप फ्री रहते हैं वही आप टाइम राइट डाउन कर दीजिएगा नीचे, ताकि मैं उसी टाइम पर जो है अपनी वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है अंडर 300 मीशो कुर्ती हॉल होने वाला है एंड इसके साथ साथ में जो है वेरी अफोर्डेबल हॉल है एंड डेली वियर है, इजीली आप इनको कैरी कर सकते हैं। आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर डेली में भी आपको घर के लिए भी अपना एक अच्छा सा कुर्ती चाहिए होती है डेली में, तो आप इनमें से भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चूज़ कर सकते हैं एंड डायरेक्ट आप मीशो पे जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड मैं रीसेलिंग हॉल भी अब जल्द से जल्दी अपने जो है चैनल पर लेकर के आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। तो फर्स्ट कुर्ती जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ, इससे कि आपको पैकेजिंग में मिल जाता है एंड जो इस कुर्ती का प्राइस है 284 रुपीज़ इसका प्राइस है एंड तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह की कुर्ती है, किस तरह का डिज़ाइन है, चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिएगा गाइस, इस तरह की कुछ हमें ये ग्रीन शेड में कुर्ती मिल जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। इसके नेक पर जो है एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड जो इसका स्टफ है कॉटन स्टफ में ये हमें रिसीव हो जाती है। बहुत ही हमें ना इसमें राउंड नेक मिल जाता है एंड इसमें मल्टी कलर से ना बहुत ही फाइन सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इसमें आपका ग्रीन कलर है एंड इसमें रेड कलर है एंड ऑरेंज कलर से इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये देखिएगा, बहुत ही ना सॉफ्ट कॉटन वाला जो है इसका फैब्रिक है एंड इसमें ना अगर आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इन्होंने इस पर फेक मिरर भी एडजस्ट किए हुए हैं एंड उसके ऊपर इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी से। जो इसमें मेरा साइज़ है एम साइज़ है एंड इस पर आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है दोनों ही साइड में एंड हेमलाइन पर नीचे आते आते ये फ्रंट से पूरा प्लेन कुर्ता है एंड डेली वेयर के लिए बेस्ट कुर्ता है गाइस। बहुत ही कंफर्टेबल है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है एंड बैक साइड से भी इसी तरह से ये आपको प्लेन मिल जाता है। तो मैं इसका बाकी लुक जो है आप ट्राई ऑन में चेक कर लीजिएगा। एमआरपी जो मैंने आपको बताई है 284 इसका एमआरपी है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड। ऐसे ही मूव ऑन कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। जो फर्स्ट कुर्ती में साइज अवेलेबल है उसमें सभी साइज अवेलेबल है, एस से लेकर के एंड ट्रिपल एक्सल तक इसमें साइज अवेलेबल है। फर्स्ट वाली जो ग्रीन कुर्ती मैंने आपको दिखाई है एंड इस कुर्ती में भी आपको सभी साइज अवेलेबल हैं। ये आपको इस तरह से जो है प्रिंटेड जो इसका है पैटर्न है एंड कॉटन जो है इसका स्टफ है, बहुत ही ट्रेंडी है, कलर बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको इस तरह से ना शॉर्ट कुर्ती मिल जाती है जो इसको ना रस्ट भी नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा ना ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड में है, जो डल वाला ऑरेंज टाइप का होता है ना उस तरह से है एंड इसके ऊपर जो है ना ब्यूटीफुल से ना ब्लॉक प्रिंट हो रखा है एंड यहाँ पीछे आपको जो कॉलर वाला हल्की सी पट्टी वाला डिज़ाइन होता है ना वो मिला हुआ है एंड यहाँ से राउंड आ कर के नेक पे आपको एक वी कट मिला हुआ है। काफ़ी अच्छा जो है इसका लुक निकल करके आता है, एक शॉर्ट कुर्ती है एंड ये आपको 3/4 स्लीव में मिल जाता है एंड जो बाजू का एंड है इसमें आपको इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे अलग से लगाया हुआ है ये जो है ना, बहुत ही खूबसूरत से कलर कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह से ये इस तरह से है, ये शॉर्ट कुर्ती है, फ्रंट और बैक सेम है, इसमें कलर इसका कहीं नहीं जाने वाला है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कलर इसका कहीं नहीं जाने वाला है एंड जो इसका ये ब्लॉक प्रिंट है ना वो ना कपड़े के अंदर ही है, ये ना कपड़े के अंदर ही है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है ये मटेरियल जो है। सभी साइज इसमें अवेलेबल है, बहुत डिफरेंट कलर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरे साइड से हाईली रिकमेंडेड है ये कुर्ती भी एंड जो इसका प्राइस है 281 इसका प्राइस है एंड बाकी जो है कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी एंड जो है ट्राई ऑन में इधर लगा दूंगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मूव ऑन कर लेते हैं थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। तो
तो गाइज ये इस तरह की जो मेरी कुर्ती है इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। एंड ये जो है जो डार्क वाला ब्लू होता है ना, डार्क ब्लू होता है वो इस तरह का जो है इसका शेड है। एंड ये भी बिल्कुल प्लेन, सॉरी प्लेन ही प्रिंटेड जो आता है ना कॉटन है, बिल्कुल कॉटन है ये। ये स्ट्रेट कुर्ती है, बहुत खूबसूरत सी कुर्ती है। इसका जो डिज़ाइन है नेक का वो इसी तरह से है, यहाँ पे पट्टी वाला डिज़ाइन है सेम उसी तरह से, राउंड नेक यहाँ तक हाफ राउंड नेक है और नीचे आपको वी कट का डिज़ाइन मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। 3/4 आपको स्लीव मिल जाती है एंड इसी तरह से यहाँ पे ना इन्होंने पट्टी लगाई हुई है जो पाइपिंग बोलते हैं ना चौड़ी सी, तो कलर बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही रहे होंगे। ये देखिएगा 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाती हैं एंड जो इसके ऊपर जो वर्क नहीं हो रखा है, जो प्रिंट हो रखा है इसके ऊपर जो प्रिंट है लाइट ब्लू से एंड गोल्डन से छोटे छोटे से ना डिज़ाइनिंग बनी हुई है इस तरह से, आप देखिएगा बिल्कुल आपको फ्रंट। एंड ये लॉन्ग कुर्ती है, अगर मेरी हाइट जो है 5'2" है तो ये मेरे को नी लेंथ से नीचे जाने वाली है। अगर आपकी इससे ज़्यादा है हाइट तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साइज़ मेरा सभी में मीडियम है एंड फ्रंट और बैक से सेम इसी तरह का ही इसमें प्रिंट हमें मिल जाता है, ये देखिएगा, ठीक है। प्योर कॉटन है, मस्ट बाय प्रोडक्ट है एंड इसकी जो एमआरपी है मैंने आपको बताई है 260 रुपीज़ है। कंफर्टेबल है, आप डेली वियर में इसको पेयर अप कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी है ना तो उसमें भी आप इसको पेयर अप कर सकते हैं। ये देखिएगा इस बहुत ही खूबसूरत है एंड मेरी साइड से ये भी हाईली रिकमेंडेड कुर्ती है। आप इसके साथ में कुछ भी ना गोल्डन में या फिर थोड़ा सा और डिफरेंट से साइड में ना कोई स्कर्ट पेयर कर लीजिए, इसके साथ में गोल्डन दुपट्टा ले लीजिए, साइड में एक क्लच ले लीजिए, बहुत खूबसूरत आपका एक सेट बन जाएगा एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरी नेक्स्ट परचेजिंग है। ये इस तरह से मीशो से मैंने परचेज़ किया है, ये पैकेजिंग जो है हमें इस तरह की मिल जाती है। एंड जो मैंने ना बॉटम वियर का कॉम्बो परचेज़ किया था, तो आपको पता ही है कि ये मीशो पे आजकल कॉम्बो में भी मिल जाता है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। किसी और ऐप पे अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है, मीशो पे थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड जो ये कॉम्बो मुझे मिला है 352 में मुझे मिला है, तो मैंने ये दो कलर पिक कर लिए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये आपका पर्पल, लाइट पर्पल में आपको मिल जाता है, बहुत ही इन है ये वाला शेड, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है ये। इसमें इस तरह की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। जो इलास्टिक है, जो इसमें मेरा साइज़ है 32 है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को बिग साइज़ इन्होंने सेंड कर दिया है तो मैं इसको रिटर्न में डाल रही हूँ, तो रिटर्न कर रही हूँ एंड एक्सचेंज कर रही हूँ, सॉरी रिटर्न तो नहीं, मैं अपना साइज़ इसमें ले रही हूँ, मेरा 32 साइज़ मुझे आता है। तो ये फ्रंट में और बैक में इसी तरह से आपको ना इलास्टिक मिल जाती है एंड जो इसका ना जो स्टफ़ है ये देखिएगा, इस तरह के ना जो टेक्सचर है इसका, इस तरह की डिज़ाइन है, इस पर उभरा हुआ सा जो है इसका स्टफ़ है, इस तरह से ये मिल जाता है। एंड ये ना लाइक्रा प्लस कॉटन मुझे लगता है क्योंकि इसमें ना हल्का सा ना स्ट्रेचेबल है, ये देखिए ये स्ट्रेच है हल्का सा। तो ये फुल लेंथ आपको ना बॉटम वियर मिल जाता है एंड नो डाउट ये ना इस तरह से ना यहाँ पे ना ये धागा सा भी निकला हुआ था तो ये मेरे को ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको काटा वाटा भी नहीं क्योंकि वो लोग फिर कहते हैं ये स्टिचिंग मेरे को इसकी ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसको इस वजह से भी एक्सचेंज करा रही थी। अगर हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, फुल लेंथ में ये मिलता है, नीचे की साइड में आते आते ना ये आपको ना इस तरह से ना बेल टाइप में मिल जाता है, ये देखिएगा ये इसकी जो है इसकी ब्रिथ है एंड ये आपका इस तरह से आपको बॉटम शो होता है ये इस तरह से। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है तो जो ट्राई ऑन है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, अगर आप जाकर परचेज़ करना चाहते हैं नो डाउट आप परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे को अच्छा लगा इसी वजह से मैंने एक्सचेंज में डाला है। तो दो जो सेकंड वाला जो शेड है वो भी मैंने लिया है, वो डार्क फ्यूशिया जो पिंक शेड आता है ना उसमें ये मैंने लिया है। ये देखिएगा जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ उन्होंने मेरे को गलत साइज़ भेज दिया है, तो ये सेकेंड वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसी तरह से ये पैड सा लगा हुआ था इसमें, ये देखिएगा साइज़ देखिए उन्होंने कितना बड़ा भेज दिया मुझे, मेरे को इतना नहीं आता है। तो ये भी ना इसी तरह से चौड़े वाली इलास्टिक मिल जाती है इसमें भी, देखिएगा फ्रंट में भी और बैक में भी। जो इसकी अंदर से स्टिचिंग है
इन्होंने ना कोई अंदर, हाँ नहीं अंदर इन्होंने ना इंटरलॉकिंग किया हुआ है यहाँ पे ना, इंटरलॉकिंग है इसमें नो डाउट। स्ट्रेचेबल है ये कपड़ा जो मैं आपको बोलूँगी ना, ये देखिए स्ट्रेचेबल है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये। एल जो आपका ना बेल बॉटम टाइप का आता है ना, उसी तरह की इसकी लुक आती है, सेम वही है, बेल बॉटम टाइप का ही है, फुल लेंथ आपको मिल जाता है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये आपको पसंद आने वाला है, ये नहीं कि पसंद नहीं आने वाला है, बहुत कंफर्टेबल आपको फील होगा एंड आपकी बॉडी हगिंग है, ये जो स्टफ है ना बॉडी पे अच्छे से ना फिट हो जाता है। तो जो भी है मैं ट्राई ऑन आपको शो कर दूँगी एंड जो इसका प्राइस है मैंने आपको बता दिया है, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके साथ साथ में मैं एक दो तीन क्लिप्स हैं जो मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं शेयर करूँगी आपके साथ में, तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और तो चलिए गाइज़, ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर उन सभी को इन्वाइट भी कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ में अफोर्डेबल कुर्ती हॉल वीडियोस में आपके साथ में इसी तरह से और लेकर के आती रहूँगी, अमेजोन से, मीशो से, अगर किसी और साइट से भी आपको चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए आपको मीशो से या समथिंग किसी और जगह से, तो वो भी प्लीज़ मुझे आप शेयर कर दीजिएगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ मिलती हूँ मैं किसी और अच्छे से नए कंटेंट के साथ में, किसी अच्छे से और वीडियो के साथ में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर एक्टिव रहिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।